मुझे उम्मीद है कि चुनाव की वजह से कम इन आने वाले 3 महीने से 6 महीने में भगवान राम का मंदिर जरूर बने। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को सपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल सांसद सुरेंद्र नागर ने पार्टी लाइन से हटकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। सपा से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा है कि मैं भगवान राम का भक्त हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के कारण आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। सांसद सुरेंद्र नागर का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी बयान के अलग ही मतलब निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरेंद्र नागर अब सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव की वजह से कम इन आने वाले 3 महीने से 6 महीने में भगवान राम का मंदिर जरूर बने। इस मंच के माध्यम से कम जब आप भगवान राम को हम याद करेंगे, भगवान रामलीला का मंचन होगा अगले 15 दिन, हमारी श्रद्धा भगवान राम में है, तो मुझे उम्मीद है कि भगवान राम का भी मंदिर जो है वो निश्चित रूप से बनेगा। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।